Hi everyone, I am Lovely and as you can see on YouTube, I have already started a course on general studies and today's topic is Kanwa dynasty. Last topic में मैंने cover किया था सुंग dynasty के बारे में. Actually 200 BC में कुछ empire आते हैं Eastern India, Central India and Deccans में. उसमें से Northern and Eastern India में है सुंग dynasty, Kanwa dynasty and Thedi dynasty of Kalinga Chedas. तो मैंने कल के टॉपिक में सुंग डायनेस्टी करवा दिया था, आज करेंगे कर्म डायनेस्टी, छेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा छेदास, देन करेंगे डक्कन्स एंड सेंट्रल इंडिया का पार्ट जिसमें आता है सतवाहन डायनेस्टी. तो कर्म डायनेस्टी इसका जो टाइम पीरियड है ये है 75 से लेकर 30 BC तक और जो इसके फाउंडर हुए हैं वो हुए हैं वासुदेव कर्म. एंड 4 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं इस डायनेस्टी के, वो हैं वासुदेव, भूमिमित्र, नारायणा एंड सुसर्मन. इसके बाद आता है छेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा छेदास. इसमें जो फेमस किंग है, जो पहला फेमस किंग है वो है महामेघ वर्मना एंड जो ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल किंग है इस डायनेस्टी का वो है खारवेला. एंड जो खारवेला की कैपिटल है वो है कलिंग नगर. एंड खारवेला के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, वो मिलता है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से जो कि रिटन है प्रकृत लैंग्वेज में. एंड स्क्रिप्ट कौन सी यूज हुई है, ब्रह्मी. ये जो खारवे हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है इसमें हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है खारवेला के अचीवमेंट्स का जो कि उसने अपने शासन के 13 ईयर में अचीव किए हैं. ये जो इंस्क्रिप्शन है ये एक मोस्ट यूनिक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है. जो खारवेला होता है ये जैनिज्म का फॉलोअर होता है. एंड इस इंस्क्रिप्शन में टोटल 17 लाइंस हैं जिसमें से पहले जो 4 लाइंस हैं वो लीजिबल हैं और ये इंफॉर्मेशन देते हैं खारवेला के पहले 13 साल के शासन के बारे में. खारवेला अपने शासन के 5वें साल में एक ओल्ड कैनाल होता है जो कि नंदास के द्वारा बनवाया गया होता है, उसको एक्सटेंड करता है फ्रॉम तनासुली से लेके कलिंग नगर तक. खारवेला जो होता है वो बहासप्ति मित्रा को डिफीट करता है एंड गरतगिरी के फोर्टेस को कैप्चर कर लेता है. एंड इस तरह से एक इमेज अपना बनाता है जैन संत का फ्रॉम मगध. एंड ये इमेज पहले महापद्मानंद के पास था जब उसने कलिंगा जीता था एंड उसे जीना का टाइटल मिला था. ठीक वही फिर टाइटल जैन संत का इसे मिलता है खारवेला को. नाउ खारवेला को क्रेडिट मिलता है कंस्ट्रक्शन का एक टेंपल जो कि भुवनेश्वर में है. और खारवेला अपने शासन के 9वें साल में एक प्लेस ऑफ ग्रेट विक्ट्री बनवाता है, वो है महाविजया प्रसाद. और ये है कहाँ पे, रिवर प्रांची के पास. और ये दिखाता है कि नॉर्थ में उसकी जो विक्ट्रीज है उसका सिंबल है. फिर हम लोग बात करेंगे दक्कन एंड सेंट्रल इंडिया के सतवाहन डायनेस्टी की जो कि जिसका टाइम पीरियड है 230 से लेकर 220 AD तक. एंड जो सतवाहन हैं ये मौर्यास के बाद आते हैं दक्कन में. यदि हम पुराना में देखे तो लिस्ट है 30 किंग्स का जो कि रूल करते हैं 460 ईयर तक. सतवाहन हैं, उन्हें आंध्रास, आंध्रा जात्यास, आंध्रा भृत्यास से भी जाना जाता है. कुछ हिस्टोरियंस हैं वो बताते हैं जो ये सतवाहन हैं वो आए हैं, उनका ओरिजिन हुआ है महाराष्ट्र में. दो इंस्क्रिप्शन है, एक है नानाघाट और नासिक इंस्क्रिप्शन. ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं सतवाहनास के बारे में. एंड ये जो सतवाहनास है ये रूल करते हैं 1st century BC से लेके 3rd century BC तक. जो मोस्ट इंटरेस्टिंग डिटेल है सतवाहन के बारे में वो ये है कि जो इनका फैमिली स्ट्रक्चर है ना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इसमें क्या किंग्स के लिए एक कस्टम होता है कि जो उनका नाम होगा किंग्स का वो उनकी मदर के नेम पे होगा, जैसे कि गौतमी पुत्रा सतकर्णी एंड वशिष्ठ पुत्रा. ये इंडिकेट करता है जो मदर है ना उस टाइम पे उनका एक काफ़ी ग्रेट रोल था. कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करेंगे सतवाहन डायनेस्टी के, जैसे कि रूलर था सिमुक.
सीमुक ये था बिफोर 100 BCE के, एंड जो सीमुक है ये फाउंडर है सातवाहन डायनेस्टी का। फिर आता है कान्हा, इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है नासिक इंस्क्रिप्शन से। देन सतकर्णी प्रथम, ये सीमुक का सन था और इसे टाइटल मिला है दक्षिणा पथापति का। फिर आता है श्री सतकर्णी प्रथम, इसके अचीवमेंट्स को दिखाया गया है नानाघाट इंस्क्रिप्शन में। फिर है श्री सतकर्णी द्वितीय, ये रूल करता है 56 ईयर तक। फिर आता है हला, ये कंपोज करता है गदा सतपति इन प्रकृत लैंग्वेज। एक्चुअली यहाँ पे जो भी इंस्क्रिप्शन लिखे हैं ना, ये भी एक्चुअली प्रकृत लैंग्वेज में ही है इस टाइम पे जो भी लिखा गया है। फिर आता है गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये ग्रेटेस्ट रूलर था इस डायनेस्टी का और इसके जो अचीवमेंट्स हैं वो मेंशन है नासिक प्रशस्ति में। फिर आता है पुलुमवी, जो कि रूल करता है 24 ईयर्स तक। फिर आता है वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, ये अमरावती में एक ओल्ड स्तूप होता है उसको इनलार्ज एंड रिपेयर करता है। फिर आता है यजनाश्री सतकर्णी, ये शाकास के अंडर टेरिटरी को रीगेन करता है। फिर आता है हरती पुत्र सतकर्णी, जो कि लास्ट रूलर है सतवाहन डायनेस्टी का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स थे सतवाहन डायनेस्टी के। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। सतवाहन के फेज में बहुत सारे टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज हुए हैं जो कि सॉलिड रॉक्स को कट करके बनाए जाते थे नॉर्थ वेस्टर्न डक्कन्स में और महाराष्ट्र में। जो टेम्पल्स हैं उनमें कॉमन देखा गया है कि चैत्यास होते थे, चैत्यास एंड फिर उसमें बिहारा आते थे। यदि अमरावती के स्तूप की बात करें एंड कार्ले की चैत्यास की बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। जो चैत्या होता था वो एक लार्ज हॉल बना होता था, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स होते थे। एंड जो बिहारा है उसमें एक सेंट्रल हॉल होता था जिसमें फ्रंट में एक डोर से हम लोग एंट्री लेते हैं। जो बिहाराज और मोनेस्ट्री है ये एक्सकैवेट किया गया है चैत्यास के पास, एंड उसमें रेनी टाइम में जो मॉन्क्स होते थे ना वो मतलब कि ठहरा करते थे। एंड जो सतवाहन के टाइम में कॉइन्स यूज़ हुए हैं ये बने होते थे लीड के। और सतवाहना किंग जो है वो लवर ऑफ लिटरेचर था, हुआ करता था। प्रकृत लैंग्वेज का इस टाइम पे काफ़ी यूज़ हुआ है। एंड जो हला है जो कि एक इम्पॉर्टेंट रूलर है सतवाहन डायनेस्टी का, उसने लिखा है गदा सप्तपति। एंड जो गुंदिया है उसने लिखा है बृहद कथा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कन डायनेस्टी, छेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा छेदास एंड सतवाहन डायनेस्टी। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉर फर्दर टॉपिक्स मस्ट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक शेयर कमेंट। This series can only be continued guys with your support, so do share immediately. Thank you.